थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर इसमें क्या समझाया गया है, थर्मल मीन समथिंग रिलेटेड टू हीट। तो हीट के बारे में क्या डेफिनेशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है, गर्म या ठंडा प्रोड्यूस करती है। सीजीएस यूनिट हीट के क्या है, कैलोरीज, और एसआई सिस्टम के अंदर क्या है, जूल्स, और एक कैलोरी के अंदर 4.186 या 4.2 जूल्स की इक्विवेलेंट है। इसके बाद है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल साइंटिस्ट ने यह बताया था कि वर्क डन हीट के प्रोपोर्शनल है, लेकिन इक्वल नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने 10 जूल का वर्क डन किया और 10 जूल की हीट प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी होगी। तो यहां पर जे एक इक्विवेलेंट कांस्टेंट लगेगा, और जे की वैल्यू डब्ल्यू बाई क्यू है, और जे की वैल्यू 4.2 के आसपास है बताया था। मतलब इसको ऐसे समझेंगे कि अगर हीट 15 कैलोरी है और मुझे इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 4.2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। और अगर हीट 15 जूल है और मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 4.2 से डिवाइड। पहला रूल क्लियर है हीट का, और ये बहुत कॉमन है, शायद केमिस्ट्री के अंदर भी आप करते हैं, जूल से कैलोरी, कैलोरी से जूल, और ये बहुत ही कॉमन है फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट,